Hi students, welcome to IIT Manthan and let's continue with chapter on chemical bonding. आज हम back bonding के बारे में बात करेंगे. Back bonding ये बहुत important concept है. क्या क्या change कर देता है ये back bonding? Back bonding की application देखो तो organic और inorganic दोनों में है बहुत ज्यादा. Stability of कार्बो कटायन आपको पता लगेगा जब organic पढ़ेंगे हम GOC, organic chemistry की just starting में. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कटायन में बैक बॉन्डिंग का रोल होगा और बहुत जगह रोल होता है इसका. क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है? एक तो ये बॉन्ड एंगल चेंज कर देता है, मतलब बॉन्ड एंगल पे इन्फ्लुएंस होगा इसका, बॉन्ड लेंथ पे इन्फ्लुएंस होगा इसका, बॉन्ड की स्टेबिलिटी पे होगा. देखो लेंथ होगा तो स्टेबिलिटी तो होगा ही होगा, है ना. बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी का कैलकुलेशन होता है, जितना बॉन्ड छोटा हो उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज अ बेटर वर्ड. क्या रिलेशन होता है इसका? बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. तो इन तीनों पे फर्क पड़ता है और पूरे के पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी का भी फर्क पड़ता है. बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ता है, बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे और कंपाउंड एज अ होल की स्टेबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है. ये होता क्या है बैक बॉन्डिंग? एक छोटा सा केस करते हैं, फिर डेफिनेशन पे आते हैं. एक छोटा सा केस करते हैं, जैसे कि BF3. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है. BF3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हम देख चुके हैं. ये ब्रिज बॉन्डिंग में भी इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम. बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं जिसको, और बैक बॉन्डिंग में भी इसका बहुत ज्यादा रोल है. देखो बहुत लिमिटेड से कंपाउंड है, केमिकल बॉन्डिंग की बात करो तो बहुत लिमिटेड से कंपाउंड है जिनमें इसकी एप्लीकेशन है, तो उन्हीं पर ध्यान देंगे हम. अब BF3 का हम आओ देखते हैं कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. तो लेट्स मूव ऑन. बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं पहले. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन कैसे होती है? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, यानी सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है. उसके बाद एक्साइट होगी, ये इसमें जाएगा एक्साइटेड स्टेट, तभी तो 3 बॉन्ड बना पाएगा. ठीक है, एक्साइट होके ये इसमें चला गया. अब एक्साइटेड स्टेट में ये आ गया, 3 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है. और अब ध्यान इस पे दो कि यहां पे एक ऑर्बिटल खाली है, करेक्ट? एक पी ऑर्बिटल, ये सेकंड का है ना, बोरोन का सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं हम. तो 2p बोरोन का बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है. 2p खाली है बोरोन का, ये बोल सकते हैं हम एम्प्टी. और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे में और हम बोल सकते हैं कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बोरोन का. ऑक्टेट इनकम्प्लीट किसका? बोरोन का. ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या बोल सकते हैं कि इसका ये चाहेगा ऑक्टेट कंप्लीट करना, अपना स्टेबल होना, 6 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होने से ना करे, करेक्ट? ऑक्टेट रूल हिल गया यहां से, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम इसको हाइपोवेलेंट भी बोलते हैं. ये होता है हाइपरवेलेंट. हाइपर मतलब 8 से ज्यादा जो एक्सटेंड हो जाती है, जो ऑक्टेट जिनका 8 से ज्यादा हो जाए, जैसे सल्फर का होता है, याद करो SO3 के अंदर, H2SO4 के अंदर भी सल्फर का ऑक्टेट क्या होता है? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, तो उनको बोलते हैं हाइपर वैलेंट. ये क्या हो गया? 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, बोरोन के पास, तो इसको बोलते हैं हाइपो वैलेंट. नाउ तो उसके हिसाब से ये उतना स्टेबल होना नहीं चाहिए BF3, लेकिन फिर भी होता है. एक्चुअली क्या होता है, फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पड़े हुए हैं फ्लोरीन के पास, और इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है. ये देख रहे हो ना, पी ऑर्बिटल एम्प्टी है. तो बहुत से कम कंपाउंड के साथ ऐसा होता है, हाइपोवेलेंट गिने चुने होते हैं, बोरोन फैमिली में होते हैं, बोरोन वाला होते हैं और एल्यूमिनियम वाले होते हैं. बहुत सारे तो ऐसे नहीं मिलते. कार्बन के जितने कंपाउंड देखे थे हमने वैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन के जितने देखे थे वैलेंसी पूरी, सल्फर में तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा था. तो हमें कौन से पकड़ने हैं अभी जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, एल्यूमिनियम और बोरोन के? तो BF3 हो गया, BCl3 हो गया, इनमें. अब देखते हैं BF3 में है,
इसके पास पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है प्योर, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया इस पी ऑर्बिटल ने, और खाली भी पड़ा हुआ है। और बोरोन को 8 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए बोरोन की हेल्प करने के लिए यहां पे फ्लोरीन आगे आता है कि मेरे पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, मैं तुम्हें डोनेट कर देता हूं। फ्लोरीन के लोन पेयर हैं वो भी प्योर वाइटल में होंगे, इसने इसको डोनेट किया, इसने इसको डोनेट किया। और एक और चीज देख लो, बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होता है, बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होता है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अभी MOT अगर तुमने पढ़ा हो तब ज्यादा समझ आएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एलिमेंट्स, टू एटम्स, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो उसकी वैल्यू होती है बॉन्ड ऑर्डर। ये MOT से आती है, या फिर जिन क्वेश्चन में हमें दिख रहा हो सीधा सारा एक बॉन्ड है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, उससे बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर वन होगा। जैसे CCl4 का स्ट्रक्चर देखो तुम लुईस का, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती, कार्बन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, वन। ऐसे CO2 के अंदर देखें तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, दो, और कोई बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब एम्प्टी ऑर्बिटल हो, जैसे बोरोन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, तब आता है बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टू इन दोनों का, इन दोनों का कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसमें वन है। तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करता है कमिंग बैक, तो ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। इसका क्या फायदा हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, बोरोन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। तो पूरे पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हुई, बढ़ी, और बोरोन के लोन पेयर जो लटक रहे थे उनको भी ठिकाना मिल गया, अब वो शेयर हो गए। तो BF3 का स्ट्रक्चर हम अगर करेक्ट बनाए बिल्कुल तो इस तरह का बनाते हैं हम, रादर देन ऐसा शो करने के बजाय इस तरह से। तो प्लीज पॉइंट नोट कर लो कि BF3 के अंदर फ्लोरीन अपने लोन पेयर जो है वो बोरोन को डोनेट कर देता है, बोरोन को डोनेट कर देता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट बोरोन्स ऑक्टेट। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, व्हेन एन एटम डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू अनदर एटम इन अ कंपाउंड, इट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो बैक बॉन्डिंग में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा पॉइंट लिख लो, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होगा, इसके बिना बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल BF3 में था, CH4 में होगा क्या, CH4 के एग्जाम्पल देखते हैं चलो, या CF4 का एग्जाम्पल देख लो आप। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मैं बता रहा था कि ये बहुत गिने चुनों में तुम्हें देखने को मिलेगा बैक बॉन्डिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। CF4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की दिखाई हमने, चार इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, CF4, और ये 2 की बात कर रहे हैं, 2s की बात कर रहे हैं और 2p की बात कर रहे हैं। तो क्या कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, फिर तो 3 आ गया, 3 तक तो जाती नहीं है कहानी एक्साइटेड स्टेट वगैरह में, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 को थर्ड शेल को ये अपने रोल में पार्ट प्ले नहीं करता, तो यहां तक कहानी सीमित है। यहां पे कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, मैं बता रहा था बहुत लिमिटेड में होती है। H2O की बात करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो, एक्साइट कराने की जरूरत भी नहीं है, दो बॉन्ड बना रहा है, ये दो बॉन्ड बन गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, दो लोन पेयर होते हैं, और ये भी 2s 2p, 3 तो है ही नहीं इसके पास, तो इसलिए नो स्कोप फॉर बैक बॉन्डिंग, करेक्ट। तो समझ रहे हो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। When an atom shares its lone pair, चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं,
इन द सेम कंपाउंड, अलग कंपाउंड में नहीं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, इट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे BF3, BCl3, AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी ऐसा होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी किसका भाई है, बोरोन का, एक ही ग्रुप के हैं दोनों, तो इसमें भी एग्जिस्ट करती है ये प्रॉब्लम, क्या ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने का। हाइपोवेलेंट AlCl3 भी होता है, इसमें भी देखते हैं कैसे बैक बॉन्डिंग होती है। AlCl3 में मोर ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग होती है, इसका एग्जाम्पल रहने दो, बेटर है कि राइट डाउन PF3। इससे चेंजेस क्या क्या है, पहले तो आपने देख लिया बैक बॉन्डिंग हो रही है, अच्छा मैंने स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनाया है, इस तरह से क्यों बनाया है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि कौन सा फ्लोरीन बोरोन को डोनेट कर रहा है लोगों पे, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, हम डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा फ्लोरीन जो है बोरोन को लोन पेयर अपने डोनेट कर रहा है, क्योंकि जब हमने बॉन्ड लेंथ चेक की, बोरोन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 1.52 एंगस्ट्रॉम, निकली कितनी 1.3 एंगस्ट्रॉम, मगर ध्यान रखने की बात क्या है, इतना कम बॉन्ड लेंथ हो गई है, ये तीनों की बॉन्ड लेंथ कम हुई है, तीनों की बॉन्ड लेंथ कम हुई है, कोई एक फ्लोरीन नहीं डोनेट कर रहा है, तीनों बारी बारी से, कभी ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, थोड़ी देर बाद ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, थोड़ी देर बाद ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। दिस कंसेप्ट इज सिमिलर टू रेजोनेंस, रेजोनेंस हमने बाद में पढ़ना है, उसकी जरूरत नहीं है अभी, लिखने में लिख लो, दिस इज सिमिलर टू रेजोनेंस, RESONNCE। तो मैं क्या बता रहा था कि किसी एक कोई एक फ्लोरीन नहीं डोनेट कर रहा, बारी बारी से डोनेट कर रहे हैं, कभी ये वाला फ्लोरीन, कभी ये वाला फ्लोरीन और कभी ये वाला फ्लोरीन, इसलिए मैंने तीनों को एक सिंगल बॉन्ड के अलावा एक और छोटा सा बॉन्ड बना दिया, और ये बॉन्ड क्यों बनाया है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इससे क्या क्या चेंज हुए, देखो बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, तो सही बता रहा होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई, कम होगी, आपको पता है ना सिंगल और डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम किसकी होती है, डबल की, और ट्रिपल की पूछ रहे तो और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, एक बॉन्ड बना रहे हो इतनी पास आएंगे, एक और बॉन्ड बना रहा हो थोड़ा सा पास आना पड़ेगा, तीन बॉन्ड बनाने हो तो और पास आना पड़ेगा, तो ये एक बॉन्ड से कुछ फालतू है, एक बॉन्ड से ये कुछ फालतू है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो गई, एक्सपेक्टेड याद नहीं करनी है, सिर्फ समझने के लिए है, और एक्चुअल हम सोच रहे थे BF की सब कुछ देख के हमने इतनी निकाली, लेकिन असली में 1.3 एंगस्ट्रॉम भाई, क्यों, बैक बॉन्डिंग ने उसको कम कर दिया, तो बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ को क्या करता है, बॉन्ड लेंथ को बैक बॉन्डिंग कम करता है, स्टेबिलिटी को क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, वैसे भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तभी ये कुछ भी होता है, पूरे पूरे कंपाउंड की एज अ होल स्टेबिलिटी बढ़ती है तभी बैक बॉन्डिंग होती है। यहां पे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक ऐसा केस भी देखेंगे आज के लेक्चर में जिसमें बिना ऑक्टेट कंप्लीट किए भी बैक बॉन्डिंग होती है, बिना ऑक्टेट कंप्लीट करे भी बैक बॉन्डिंग का केस हो सकता है, क्यों होता है वो, स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी तभी होता है, स्टेबिलिटी बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपको पता है बॉन्ड लेंथ जितनी कम, यानी जितने पास पास हो दो एटम्स, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। फिर एक कॉन्सेप्ट आया बैक बॉन्डिंग का, बॉन्ड एंगल। अब देखो जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड था वहां पे दो बॉन्ड हो गए तो थोड़ा सा स्पेस जाना चाहिएगी, दो बॉन्ड को स्पेस जाना चाहिए होती है वन बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड से, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, याद नहीं रखने, समझने हैं, आप देख सकते हो एक फालतू बॉन्ड बन रहा हो दो एलिमेंट्स के बीच में, एक फालतू बॉन्ड अगर बन रहा हो दो एटम्स के बीच में तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, राइट, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी,
बॉन्ड एंगल क्या होगा, दो बॉन्ड आ गए तो ज्यादा स्पेस चाहिए उसको, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बीच में, ज्यादा स्पेस चाहिए तो फैलेगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा बढ़ेगा और पूरे की एज अ होल स्टेबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, इट गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। इसकी एप्लीकेशन इन सारी जगह पे है। साथ में एक और कॉन्सेप्ट हम यहां सीखेंगे अभी, वो क्या है, लुईस एसिड का, ये नोट कर लो। बैक बॉन्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लुईस एसिड, ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, लेकिन जितना आज पढ़ रहे हैं उससे ही 19-20 होगी बाद में, तो अभी से समझ लो। व्हाट इज अ लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, दैट इज अ लुईस एसिड एंड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लुईस एसिड। अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं एसिड बेस के, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हमने H प्लस जो दे रहा हो वो एसिड, OH माइनस जो दे रहा हो वो बेस, ये किया था। ऐसे तीन कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी कहीं कहीं यूज होता है, एसिड की बात हो रही हो लिखा होगा, अगर एसिड बेस की बात हो रही हो तो लिखा होगा, या फिर कॉन्टेक्स्ट से तुम्हें समझ आ जाएगा किस वाले एसिड की बात कर रहे हैं, एच प्लस जो लूज करता है वो एसिड हो रहा है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है डोनेट कर रहा है, सॉरी एसिड जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है वो वाला एसिड, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज एसिड। अभी हमने देखा है जिनका ऑक्टेट ना कंप्लीट हो वो एसिड हो सकते हैं, जैसे NH3 और BH3 में ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर देता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, राइट, इसमें लुईस एसिड कौन सा होगा, ये होगा। सीधी सी बात है, बहुत छोटी सी, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जो लोन पेयर या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज अ लुईस एसिड। और एग्जांपल देख लो, जैसे कि वाटर के पास हमने एच प्लस छोड़ दिया, तो एच प्लस ने क्या किया, एक्सेप्ट किया लोन पेयर, एच प्लस क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया इस केस में। तो जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो, जिसके पास कमी हो इलेक्ट्रॉन्स की, वो होता है लुईस एसिड, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, इसका जस्ट ऑपोजिट, और डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लुईस बेस। एग्जाम्पल क्या हो गया, NH3, हमने ये लुईस बेस का एग्जाम्पल याद करो ड्रैगन रूल ने भी किया था ना, NH3 और PH3 में कौन सा अच्छा लुईस बेस है, आया था NH3, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स sp3 में है और उसके s में है, s बिल्कुल पास होता है न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करना चाहता वो, यहां इस केस में NH3 है, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही इस केस में वाटर है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर अब समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लुईस एसिड और लुईस बेस, ये लुईस बेस की डेफिनेशन है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लुईस एसिड। नाउ लेट्स मूव ऑन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड, मतलब कौन सा अच्छा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, BF3, BCl3, BR3 और BI3, ये चार कंपाउंड है। आपको पता है चारों में कुछ ना कुछ बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, लेकिन बैक बॉन्डिंग, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज किया था, BF3 में हमने देख लिया था, अगर BF3 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती, इफ देर वॉज नो बैक बॉन्डिंग इन BF3, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता, एब्सोल्युटली 1 होता, बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल 1 होता। आया कितना, 1.29 या 1.3 के आसपास आया बॉन्ड ऑर्डर, कैसे आया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.3 होता है, होना चाहिए था 1.0, क्यों, क्योंकि एक और बॉन्ड आ रहा है ना, कभी इसके साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ, तो सारा कुछ चेंज हुआ। क्या क्या चेंज हुआ, बॉन्ड एंगल चेंज हुआ,
बॉन्ड लेंथ चेंज हुई, स्टेबिलिटी चेंज हुई और बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हुआ। एक बॉन्ड था पहले, अब एक से ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बैक बॉन्डिंग से ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं सॉल्व हो गई है। ऑक्टेट जो रूल कंप्लीट नहीं हो रहा था, अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब उसको और कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ऐसा भी नहीं है। राइट, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जो प्योर सिंगल बॉन्ड है, वैसा वैसा भी नहीं है। उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जो प्योर सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड से तो अलग है ये, करेक्ट। बैक बॉन्डिंग का जो बॉन्ड है, इट इज इट्स स्ट्रेंथ इज डिफरेंट एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये ऐसा नहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड की जगह आ गया है और बिल्कुल अब कोई और बोरोन को दिक्कत आई नहीं रही है। पहले बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब डोनेशन से कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि 8 ही हो गए। बैक बॉन्डिंग इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग सो एज टू रिप्लेस कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये लुईस एसिड था, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कुछ कमी तो पूरी हुई, मगर ऐसा नहीं है कि सारी ही कमी पूरी हो गई। ऐसा नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, कुछ कमी तो है, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है बैक बॉन्डिंग। तो कमिंग ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट, एक BF3 है, एक BCl3 है, एक BBr3 है, और एक BI3 है। सबके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी, नेचुरल सी बात है, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये बीआर नहीं बोरोन है। अब बात आती है किसके अंदर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग है। जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग हुई बैक बॉन्डिंग, उसके अंदर बोरोन को इलेक्ट्रॉन्स फालतू मिल रहे होंगे और बोरोन को फालतू इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, मतलब उसकी कमी पूरी हो गई होगी। अब वो उतना अच्छा लुईस एसिड नहीं होगा। लुईस एसिड क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हो, सभी में चाहिए उसको, चारों में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाँ, कुछ बैक बॉन्डिंग ने दिक्कत की, समस्या की हल दिया है, समस्या का हल, लेकिन अभी भी उसको लुईस एसिड मानते हैं हम। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास आ रहे होंगे, उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं होंगे, वो उतना अच्छा लुईस एसिड नहीं कहलाएगा। तो किसके अंदर अच्छे हो रहे हैं, आपको बताया बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कब होती है, जब साइज कंपेरेबल हो। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग When overlap मतलब आपस में जो बॉन्ड बन रहे हो वो ओवरलैप इज गुड, ज्यादा हो, एंड बेटर ओवरलैप एग्जिस्ट इफ Both orbitals are of comparable size. अब BF3 के बारे में बात करें अगर, तो बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा है, 2p, और फ्लोरीन जो डोनेट कर रहा है इसका ऑर्बिटल भी कौन सा है, 2p। तो ये ओवरलैप कैसा है 2p और 2p के बीच में, और ये ओवरलैप कैसा है 2p और 3p के बीच में, ये ओवरलैप कैसा है 2p और 4p, ये ओवरलैप कैसा है 2p और 5p। तो सबसे बेहतरीन, द बेस्ट ओवरलैप वुड बी बिटवीन 2p एंड 2p, समझ गए हो। बेस्ट ओवरलैप इसमें होगा 2p और 2p के बीच में होगा। आई एम श्योर इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी तुम्हारी, मुझे टेक्स्ट करके पूछते रहा करो प्रॉब्लम्स बिफोर मूविंग अहेड, कुछ भी छूट मत जाए। बिल्कुल बाद में दिक्कत होती है, बैक बॉन्डिंग की जब एप्लीकेशन आएगी तो 100% क्लैरिटी ना हो तो फिर उस टाइम पूछोगे, उससे बेटर है अब पूछ लो। सो कमिंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट, सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होगी 2p 2p के बीच में, फिर 2p 3p, फिर 2p 4p, फिर 2p 5p। इसके अकॉर्डिंग समझ आ गई होगी कि अगर सेम से है साइज तो अच्छा ओवरलैप होगा, गठबंधन अच्छा होगा और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब है बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, बैक बॉन्डिंग सभी में हो रही है। यहां पे भी देखो, यहां पे मैं बता रहा था कि बोरोन और फ्लोरीन का 1.5 एंग्स्ट्रॉम एक्सपेक्टेड था, आया कितना 1.30 एंग्स्ट्रॉम।
कम हो गई बॉन्ड लेंथ, यानी बोरोन की कमी पूरी कर दी। यहां पे 1.87 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी, आई कितनी 1.76 एंगस्ट्रॉम, मतलब उतना कम भी चेंज नहीं आया। क्यों? ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं है। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा बोरोन को फायदा होगा। अच्छी ओवरलैपिंग है, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ओके तो उसका कंप्लीट हो रहा होगा। तो सबसे अच्छा फायदा किसका हुआ? बोरोन का इसमें हुआ। मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर अगर हम पूछे, मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। व्हाई? सिंपल रीजन, ड्यू टू गुड ओवरलैप। और लुईस एसिड का ऑर्डर क्या आएगा? जस्ट इसका उल्टा, इसको ए बोलो, बी सी और डी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी कमी तो पूरी हो गई इलेक्ट्रॉन से, अच्छा ओवरलैप था ना, मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग आई इसमें, तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब उसको बैक बॉन्डिंग की जरूरत है नहीं। तो NH3 जैसा मॉलिक्यूल आएगा अगर, तो सबसे ज्यादा कौन तड़प रहा होगा इनमें? ये तड़प रहा होगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से सबसे वीक बैक बॉन्डिंग इसमें, तो इसका ऑक्टेट सबसे कम कंप्लीट हुआ होगा इसके अंदर। इसका तो काफी हद तक कंप्लीट हो रहा है, फ्लोरीन जो है बढ़िया डोनेट कर रहा होगा, क्योंकि ओवरलैप अच्छा है टूटी टूटी के बीच में, तो इसलिए सबसे अच्छा लुईस एसिड ये हुआ। फिर ये इसकी कमी तो फ्लोरीन ने तो काफी हद तक पूरी कर दी है। इसकी आयोडीन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ओवरलैप पुअर है। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए आगे होंगे, बैक बॉन्डिंग किसमें अच्छी है और लुईस एसिड कौन सा अच्छा है। नाउ फर्दर एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, हमने सिर्फ बोरोन के कंपाउंड्स देखे थे, BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। एक केस और ऐड कर दो, BH3 वर्सेस BF3। चलो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कंपाउंड NH3 वर्सेस NF3। साफ सी बात है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है नहीं। एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम है, क्या आएगी? sp3 हाफ इंटू 5 + 3, ये कितना आ गया? 4 जेड आया, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, करेक्ट। एक लोन पेयर है क्योंकि तीन बॉन्ड है और दोनों में ही एक लोन पेयर है। तो उसके बाद क्या कंपेयर करते हैं हम? कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हुआ? इसका ज्यादा हुआ। आ जाओ सेकेंड केस पे, PH3 वर्सेस PF3। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, जो इसकी थी वही इसकी होगी, क्योंकि भाई वजह दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। हाफ इंटू 5 + 3, ब्रैकेट में 8 आया, अपॉन 2 4 बन गया। Z4 जब आया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, कैसे है? फ्लोरीन के पास है लोन पेयर और फॉस्फोरस के पास है एम्प्टी ऑर्बिटल। अब बोलो कौन सा ऑर्बिटल एम्प्टी? डी वाला। नाइट्रोजन के पास नहीं है ना एम्प्टी डी ऑर्बिटल, फॉस्फोरस के पास है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है फॉस्फोरस की? 3s 3p 3d, हाफ फिल, तीन बॉन्ड बना लिया उसने एक लोन पेयर, और ये डी वाला सारा का सारा खाली है, करेक्ट। तो इसका मतलब है यहां पे कुछ कुछ बैक बॉन्डिंग होगी। हाँ, ये देख लो कि अब सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है। BF3 के अंदर क्यों हो रही थी बैक बॉन्डिंग? ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और यहां पे क्यों हो रही है बैक बॉन्डिंग? सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट अनफिल्ड ऑर्बिटल है। तो स्ट्रेंथ ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें होगी? BF3 में होगी, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा मकसद है विच इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। है बैक बॉन्डिंग यहां भी, लेकिन वहां पे स्ट्रॉन्गर होगी, बिकॉज वहां पे रीजन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट का। यहां पे रीजन नहीं है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इन चार में
स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग विल बी हाईएस्ट इन, तो वो कंपाउंड चूज करना है जिसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग विल बी हाईएस्ट इन BF3, PF3, PCl3 या फिर NCl3। NCl तो किस क्या आंसर आएगा ये, बिकॉज इसके अंदर एक बहुत बड़ा मकसद है विच इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट। इसके अंदर भी हो रही है, इसके बाद MGD और बाइटल था, तो ये लोन पेयर यहां चले जाएंगे। अब लोन पेयर चलेंगे तो बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग हुई तो एंगल इंक्रीज हो गया। बैक बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है, वो जो मैंने रूल बताया था सेंट्रल एटम और कॉर्नर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करके भी हम चेक करते हैं, है ना। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें सारे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर रहे थे सेंट्रल एटम की और कॉर्नर एटम की। लेकिन यहां पे केस क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग जब आ जाए तो उनको नहीं देखेंगे, प्लीज याद रखो। अगर इनकेस of back bonding bond angle increases and this increase will overshadow, मतलब वो वाला चीज फिर हमने देखनी ही नहीं, overshadow electronegativity rule that we apply for corner and central atom. मगर ये भी याद रखना साथ में, इतना भावनाओं में मत बह जाना ऐसा। हाँ, पॉइंट क्या था, इतना भावनाओं में मत बहना कि हाइब्रिडाइजेशन ही भूल जाओ। किसी की हाइब्रिडाइजेशन हो SP, एंगल आ रहा हो 180 डिग्री, किसी की हाइब्रिडाइजेशन हो SP2, एंगल 120 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता हो और उसमें बैक बॉन्डिंग लगा दो, ऐसा नहीं है। पहले दो पॉइंट सेम आने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर सेम हो, बॉन्ड पेयर सेम हो, उसके बाद तुम कॉर्नर सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करोगे, राइट। उस तीसरे स्टेप पे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट सोचना है, तो प्लीज लिख लो इसको। पहले दो पॉइंट्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, उसके बाद ही बैक बॉन्डिंग लगाओगे अगर बॉन्ड एंगल कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी में SP हाइब्रिडाइजेशन है तो 180 डिग्री आना चाहिए, एक में SP2 है 120 डिग्री आना चाहिए, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग भी है तो तुम बोल दो कि ये ज्यादा होगा क्योंकि बैक बॉन्डिंग है, ऐसा नहीं है। पहले दो पॉइंट सेम हो, क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर सेम हो, उसके बाद ही फिर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट देखना है। सो मूविंग ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, आओ इस पे आ जाओ। कंपेयर बॉन्ड एंगल, तो θ1, θ2, θ3 इसमें हमें कंपेयर करना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इट इज अ गुड क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल्स पे बेस्ड है क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहे हैं, हम तीन मॉलिक्यूल्स कंपेयर कर रहे हैं, CH3, इसमें HH है और इसके अंदर तीन मॉलिक्यूल लगे हैं, C कार्बन तो लगा ही है दोनों जगह, कार्बन आगे तीन बॉन्डेड है, CH3, यहां भी CH3, CH3, CH3। तो ऐसे क्वेश्चंस में स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल आएगा, अगर कोई फैक्टर आ जाए बल्किनेस का, साइज बहुत बड़ा है इसका CH3 का, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस लिख लो। हिंड्रेंस इज रुकावट, बाधा, स्टेरिक का मतलब साइज से है यहां पे। अगर इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हो, जैसे कार्बन अकेला लगा हुआ है और उसके साथ में तीन हाइड्रोजन भी है, तो उनको भी स्पेस चाहिएगा टिकने के लिए। यहां पे भी दो कार्बन ही लगे हैं लेकिन आगे CH3 लगे हैं। अगर मैं इसको बनाऊं तीन बॉन्ड्स को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक और बॉन्ड है
कार्बन हाइड्रोजन 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 ऐसे एक और उसके भी तीन बॉन्ड यहां भी यहां, तो क्या होगा फैलना पड़ेगा, एकोमोडेट करना है सबको, फैलने की वजह से क्या होगा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि इससे मिलता जुलता ही हो, जैसे हाइड्रोजन लगाया फिर ड्यूटेरियम लगा दिया, उससे तो क्या ही साइज इंक्रीज हुआ इसका, भाई है ना आइसोटोप हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, यहां पे हाइड्रोजन की जगह कार्बन आया है साथ में तीन बॉन्ड और लगाया है, यहां पे इसलिए कार्बन आया है साथ में तीन बॉन्ड और लाया, वो तीन बॉन्ड आगे तीन बॉन्ड और लाए, तो साफ सी बात है थीटा थ्री सबसे ज्यादा होगा फॉलोड बाय थीटा वन फॉलोड फिर थीटा टू। रीजन बीइंग स्टेरिक हिंड्रेंस, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम से क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसमें बल्किनेस बढ़ेगी साइज की, लेकिन वो सारे के सारे हमें याद रखने हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आए जब साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो, साइज मतलब एक एटम ना बदले उस एटम के साथ आगे और बॉन्ड भी हो, जैसे कार्बन बदला था कार्बन के पास और बॉन्ड भी है, तो ऐसे केस में एंगल फैलेगा और साइज बढ़ जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन, बॉन्ड एंगल तब भी बढ़ता है जब ग्रुप्स जो है वो बल्कि हो, बल्कि मतलब भारी भारी ग्रुप्स लगे हो, तो बल्किनेस अगर बढ़ेगी स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगी, या बल्किनेस भारी भारी ग्रुप लगेंगे तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। प्लीज राइट डाउन दिस रिलेशन, इन दोनों पे भी डिपेंड करेगा। ये केस हमने नहीं किया था बॉन्ड एंगल का, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एडवांस का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स इन मतलब प्रीवियस ईयर एडवांस का इन BRF5। तो सबसे पहले तो आप हाइब्रिडेशन चेक करोगे, हाइब्रिडेशन क्या होगी हाफ इंटू फाइव, सेवन प्लस फाइव कितने आ गए सिक्स, सिक्स आ गया, जेड इज इक्वल टू सिक्स, जेड इज इक्वल टू सिक्स कब होता है जब ऑक्टाहेड्रल हो, मतलब चार ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, करेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है और लोन पेयर आपको पता है यहां लगते हैं, फ्लोरिन में यहां लगा दो सारे, यहां पे सेंटर पे क्या आएगा ब्रोमीन, और ये एंगल भी 90 डिग्री होंगे, करेक्ट। तो ऐसे देखने से क्या लगेगा 90 डिग्री कितने एंगल्स हैं, मतलब नंबर 90 डिग्री एंगल मतलब बी एफ बी आर और एफ, ये वाले एंगल मतलब एफ बी आर एफ, एक 90 ये एक 90 ये, दो तीन चार, फिर ये वाला 90 होगा पांच छ सात आठ, करेक्ट, वन ये 90 हो गया, टू ये भी 90, थ्री ये भी 90, फोर ये भी 90, फिर इसका इससे फाइव, इसका इससे सिक्स, इसका इससे सेवन, अलग अलग प्लेन में है ना, ये तो इस तरह से है और इसका इससे एंगल आठ, लेकिन आंसर क्या था जीरो, क्योंकि पेयर टेंशन मैंने क्या बताया था कि अगर एक भी लोन पेयर आ जाए तो फिर परफेक्ट एंगल्स नहीं रहते हैं, एक भी लोन पेयर आ जाए तो क्या होता है लोन पेयर में ज्यादा, लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए, प्रायोरिटी लोन पेयर की ज्यादा है, तो क्या करेगा इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड करेगा। अब ये परफेक्ट थे, सपोज करो ये स्क्वायर प्लानर हो गया, ये स्क्वायर हो गया फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये लोन पेयर है यहां पे, और इसके पीछे किताब के पीछे मतलब यहां पे एक और फ्लोरीन फ्लोरीन होगा, मतलब जो लोन पेयर है इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो डिस्टॉर्ट होंगे थोड़ा सा, ये जो एंगल है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड होगा, ये भी होगा अंदर की तरफ बेंड, ये भी अंदर की तरफ बेंड होगा, ये भी अंदर की तरफ बेंड होगा। अब सारी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई है, एंगल हम नहीं बता सकते कितने होंगे लेकिन हाँ 90 से कम होंगे। तो एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट नोट कर लो, एक भी लोन पेयर अगर आए तो परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं रह जाती है, एंगल्स डिस्टॉर्ट होते हैं, थोड़े कम होते हैं, कितने होते हैं ये नहीं हम बता सकते, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि एंगल्स कुछ कम तो होंगे होंगे, परफेक्ट 90 नहीं रह जाएंगे। सो पॉइंट नोट कर लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एंगल्स पूछे थे कितने होंगे, तो इसी तरह से इसको बाकी जगह ये नहीं सिर्फ इसी कंपाउंड में अप्लाई करो, बाकी सभी जगहों में याद रखो एक भी लोन पेयर अगर आ जाए
तो परफेक्ट एंगल्स नहीं रह जाएंगे क्योंकि लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए। रीजन क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज मोर, हेंस इट नीड्स लार्जर एंगल देन यूजुअल। एज अ रिजल्ट द एंटायर ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड। करेक्ट, पूरी पूरी ज्योमेट्री ही खराब हो जाएगी उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर बॉन्ड एंगल्स। कंपेयर बॉन्ड एंगल्स, एक जगह है एन सी एच थ्री थ्राइस वर्सेस एन एस आई एच थ्री थ्राइस, तो इसमें कैसे होगा? नाइट्रोजन CH3 विद लोन पेयर, और इसमें होगा नाइट्रोजन सिलिकॉन 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 H3 H3 H3। हाइब्रिडाइजेशन सेम है? हाँ जी सेम है। लोन पेयर सेम है? बिल्कुल सेम है। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है ना, तीन बॉन्ड्स एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, या फॉर्मूले से निकालो तो भी सेम आएगी। लेकिन इसके लोन पेयर कहां चले गए? यहां पे इसके पास था एम्प्टी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल थे खाली इसके पास, उसने वहां पे एडजस्ट कर दिया। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे हम? असली में क्या हो रहा होगा? बैक बॉन्डिंग बन रही होगी, बारी बारी से चेंज भी होगी, है ना। याद करो BF3 का केस मैंने क्या कहा था, ये घूमता रहता है, किसी एक पे फिक्स नहीं होता ना, बॉन्ड जो है किसी एक पे फिक्स नहीं होता, कभी यहां से है कभी इधर से है कभी इधर से है। तो इसका मतलब क्या है? बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड एंगल एन एस आई थ्री का ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर भी किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ छोटी किसकी होगी? इसकी छोटी होगी। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो सारे पॉइंट्स नोट कर लो बैक बॉन्डिंग के, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बैक बॉन्डिंग से।